नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि जिन लोगों को मेरा वीडियो का सदैव इंतज़ार रहता है वो भी लोग सभी लोग ठीक होंगे। मेरे सब्सक्राइबर लोग भी अच्छे होंगे जो मेरा वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, सब लोग अच्छे होंगे। और मैं भगवान से विनती करता हूँ, चाहे मेरे वीडियो को देखते हो ना देखते हो, लाइक करते हो नहीं करते हो, कमेंट करते हो नहीं करते हो, सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो, हम भगवान से हम विनती करेंगे उनके समस्त परिवार के लिए और उनके पूरे जो भी हित संबंधी हैं। भगवान उनको महामारी कोरोना जैसे घातक बीमारी से बचा के रखें और उनका ये संकट का समय किसी तरह से अच्छा से निकल जाए, तो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज के समय में जान बचाना ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के तारीख में। आज का वीडियो खास इसलिए है कि जो चिकित्सक जिनके पास अनुभव तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन चिकित्सा का ज्ञान है उन्हें, अपने जहाँ भी वो प्रैक्टिस करते हैं अपने भाई बहनों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, अपने प्रैक्टिस से अपने चिकित्सा से बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे हों और उनके चिकित्सा से इलाज से सारे लोग संतुष्ट होंगे, उसके बाद भी उनके पास किसी तरह का कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इनको बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो उनके लिए आज का खास वीडियो होने वाला है। आप प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन जब भी कोई आपके प्रशासन का कोई ढंग का सूचना आता है, अनट्रेन चिकित्सक जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, धरपकड़ होना शुरू होता है, उस समय में आप बिल्कुल घबरा जाते हैं और क्लिनिक आपको छोड़कर भागनी पड़ती है, बोर्ड हटाकर अलग रखनी पड़ती है, पैर डर से नहीं छा पाते हैं, और जब तक ठंडा नहीं हो जाता है माहौल तब तक आप किसी रोगी को देखते नहीं हैं, दूर भागे भागे रहते हैं। और कोई चाहते भी हैं कि शॉर्ट टर्म कोई डिग्री हो तो कोई बताने वाला नहीं है, आपके पास अपना शरीर लगा सकते हैं, शरीर को लगाकर बहुत सारा टेक्निकल चीज़ को, मेडिकल साइंस को आप समझ लेते हैं, लेकिन डिग्री डिप्लोमा की जब बात आती है तो आपके पास पैसे नहीं रहते हैं कि उस तकनीक को हासिल कर सके। आप इसलिए चिकित्सक नहीं बने हैं कि लाखों करोड़ कमाएं। जिन लोगों का लक्ष्य रहता है, जिनके माता पिता संपन्न हैं, जो विद्यार्थी सक्षम है पैसा के दृष्टि से, हर दृष्टि से, वो तो MBBS, MD, PhD और FRCS लंदन बहुत सारे कोर्स को, सर्जन कई तरह का, हार्ट का सर्जरी, बहुत तरह के आप सर्जन इसमें बन जाते हैं, बड़े ओहदा भी पा लेते हैं, आपके पास इनकम भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बहुत लोगों को इनकम से मतलब नहीं रहता है, वो गांव घर पर चाहते हैं रहकर उनके परिवार चले और ज़्यादा उनके वो घर पर ही रहकर अपना करियर संभालना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, और वो दूर कहीं पर उन्हें जाना अपने घर के माता पिता को छोड़कर बड़ी कठिन कार्य रहता है। वो गांव नहीं छोड़ सकते, अपना शहर नहीं छोड़ सकते हैं, जो भी हो, जो भी कठिनाई उनको सहना पड़े, लेकिन अपने मूल गांव को नहीं छोड़ सकते हैं, शहर को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ सकते हैं। उनको गांव बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अपने जन्म धरती से उन्हें प्रेम है, इसलिए वो वहाँ पर रह गए। ऐसा एक बिल्कुल लोग ना समझे कि गांव के लोगों में टैलेंट नहीं होता है, वो कोई काम के नहीं थे इसलिए गांव पर रह गए, ऐसा नहीं है। आज बड़े बड़े व्यक्ति के लड़का, बड़े बड़े लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, वहाँ पर वो रो रहे हैं कि किसी तरह से इंडिया लाया जाए।
तो आप अपने करियर बनाने के लिए और आपको तरह तरह के कहीं कहीं जाना पड़ा, आप ठीक है गए वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप इसके उज्जवल भविष्य को आपने खाली कल्पना करके कहीं चले जाते हैं, लेकिन संकट के काल में अपना गांव ही शहर ही काम आता है। चिड़िया चाहे जितना आकाश में उड़े, उसको एक दिन ना एक दिन धरती पर आना ही पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, उसको ये बात हमेशा लिख के रखनी चाहिए। यदि मेरा जाना संभव नहीं है, अगर मेरी खेती बाड़ी ठीक ठाक है, बिजनेस ठीक है, वो थोड़ा सा डेवलप एरिया है उसमें, तो अब बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं जिसका पुत्र परदेसी हुए, गांव नता सबसे गए। तो परदेश जब चले जाते हैं तो गांव नता सब चीज़ छूट जाता है। आप उस समय याद करते हैं जब कोई फेरे में पड़ते हैं, और तब आपको गांव याद आता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग बहुत अच्छा मेधावी हैं और उनको लाखों करोड़ों का टारगेट नहीं है, कम में ही संतुष्टि है, फिर भी उनके पास या तो MBBS है, BHMS है, और बड़े बड़े IIT के समान बड़े बड़े ओहदे वाले पढ़ाई है, डिग्री डिप्लोमा है, और उसे वो करेंगे नहीं, यदि करते भी हैं तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है, और करके भी वो गांव देहात में नहीं रह सकते हैं। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद में गांव पर रहेंगे तो कोई इसे अच्छा नहीं कहेगा, आप फंसी के पात्र बन जाएंगे। तो आपने जब पूंजी खर्च कर दिया है तो उसे निकालने के लिए आपको परदेश जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए बहुत लोग नहीं जाना चाहते बाहर में। अब एक हमारे प्रसिद्ध देवी जो एक बिहार के गायिका है, उनका कार्यक्रम हम लोग बचपन से ही सुनते थे, वो प्रोफेसर के लड़की थी, उनका एक भोजपुरी में प्रसिद्ध गाना था, लोकप्रिय भी हुआ, हम ना रहम सैया दिल्ली सहरिया में, हमरा के ले ले चला गौए बजरिया में, कोयली के कुक सुनेम, ये तरह तरह के उनको मन का ये भावना था कि दिल्ली में बहुत और बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, और उसका सिटी जो है उनमें गाना आप सुनिएगा, बहुत अच्छा है, हम किसी दिन सुना पाएंगे आपको, तो संभव सकेगा तो सुनाएंगे। गाना का मकसद है, उद्देश्य था कि दिल्ली में जो टी भों हरण प्रदूषण तरह तरह का सब चीज़ होने के बाद में ज़िंदगी को सुकून नहीं देता था, तो इसलिए उनके गाने का मकसद था कि गांव में ही हम रहेंगे और कुएं का ठंडा पानी पिएंगे, जल पिएंगे, और अपने के बीच में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो उन लोगों के लिए जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं कौन सा डिग्री डिप्लोमा करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो हम बहुत सारे, मेरे चैनल बनाने का मतलब है कि आपको जानकारी अच्छी मिले और आपको उसमें आप करके आपका प्रशिक्षण हो और अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आए, एक प्रशिक्षित चिकित्सक आए, न कि आपको बिना कोई डिग्री डिप्लोमा का कोई भी काम करते हैं तो हमेशा समाज आपको हे दृष्टि से देखता है, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको तरह तरह के डिग्री डिप्लोमा को करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत है। तो आज बहुत सारे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कॉनपैथी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक संतोष देने वाला अच्छा सा कोर्स हम बनाने की कोशिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास होम्योपैथी का अच्छा जानकारी है, ज्ञान है, तो आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स कर लेंगे तो ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स है, इसे करके आप कहीं भी क्लिनिक प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत है। इसका काम ही है कि जो बीमारी आपको
होता है छोटी मोटी, आप कर लीजिए और अपने विशेषज्ञ के पास भेज दीजिए। अगर सारे लोग विशेषज्ञ से दिखाने लगेंगे तो फिर विशेषज्ञ को टाइम कहाँ मिलेगा, पागल हो जाएंगे। इसलिए सारे जगह पर भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश में अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपको मिले, उपलब्ध हो। भले किसी सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरगामी इच्छा शक्ति का अभाव है, इसलिए ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये सर्टिफिकेट कोर्स सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मेरे जैसा अगर व्यक्ति एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा हमें, तो पूरे देश में जितने 3 लाख होम्योपैथी के क्षेत्र में, 3 लाख आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, 3 लाख यूनानी के क्षेत्र में, जितने भी आपको ऑनर्स कोर्स है, बैचलर कोर्स है, सब में आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ज़रूरत है, वेल ट्रेन स्वास्थ्यकर्ता की ज़रूरत है। डॉक्टर चले जाएंगे, 20 तरह की परेशानियाँ आती है, अगर डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर दिए, दवा खाने के बाद समझाने के लिए तरह तरह के आपको क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर तो पढ़ लिख ले रहते हैं, लेकिन रोगी का कोई जरूरी नहीं रहता है कि वो पढ़ा लिखा ही हो। डॉक्टर एक तरह से PhD मिल जाएंगे, FRCS लंदन मिल जाएंगे, रोगी आपको अनपढ़ भी हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब उनको दवा समझाने लगे, सुई अपने हाथ से देने लगे, सलाइन करने लगे, आप बताइए एक आदमी डील कर सकता है क्या? एक क्वालिफाइड चिकित्सक जिनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट रहता है, डॉक्टर अलग चीज़ है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता अलग चीज़ है। डॉक्टर हर बारीकियों को समझते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये प्रैक्टिशनर बोलते हैं, पढ़ाई कम किए रहते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है और उसका सर्टिफिकेट NIOS देता है। तो डॉक्टर उसमें पढ़ने के बाद में वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकते हैं और तरह तरह के सरकारी संस्थाओं में बड़े बड़े पद पर रह सकते हैं। इसका जो प्रशासनिक इकाई होता है स्वास्थ्य का, उसमें वो जा सकते हैं, MCI का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भी बीमारियां फैलती है वो अपने गांव स्तर पर लोगों को जागरूक करते हैं, वही भगवान है, वही सब कुछ है। लोग क्या कहता है उसके फेरे में नहीं पड़िए, कहने के लिए भगवान को लोग भी नहीं छोड़ता है। यदि आप सोच रहे हैं कि छोटे मोटे सर्टिफिकेट कोर्स करने से भी कुछ नहीं होगा, तो आप भ्रम में हैं। आप बड़े बड़े डॉक्टरों को क्लिनिक फोड़ देते हैं, मारने पीटने तक उबारू हो जाते हैं। हमारे सर ने एक बार कहा था कि जो रोगी 5 मिनट पहले पैर छूता है, आप याद रखिएगा 5 मिनट बाद आपको जूता भी चला सकता है। उसको प्रणाम के फेरे में नहीं रहना है, बल्कि हर पहलू का आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आज हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आज चिकित्सक इलाज करने के लिए जाते हैं वो तो बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत बड़े हैं, उनको आदर सम्मान होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार उनको भी जान बचाकर भागनी पड़ती है। बड़े बड़े चिकित्सकों को हम आम लोगों द्वारा पीटते हुए देखे हैं, पुलिस प्रशासन मुक बनी रहती है। इसलिए आप ये नहीं जाए कि छोटी डिग्री है तो इसमें हमेशा संकट है, बल्कि बड़े डिग्रियों के साथ भी आपके साथ अनहोनी हो सकता है, घटना हो सकता है। जो जितना पूंजी लगाएगा, जो जितना दिमाग लगाएगा, उसी के अनुसार लोग उसे हासिल करेगा। इसमें कोई बड़े छोटे में अंतर नहीं है, एक सिर ही लगा हुआ है। डिप्लोमा है उसे अच्छी डिग्री है, डिग्री से अच्छा MS है, MD है, उसके अतिरिक्त भी अमेरिका कहाँ कहाँ पढ़ कर लोग आते हैं जाते हैं। तो आप दूसरे के समक्ष बड़े हो सकते हैं, फिर आपसे कोई बड़ा आ जाएगा तो वहाँ पर आप छोटे हो जाएंगे। तो आप हमेशा ये फेर में नहीं रहिए कि सर्टिफिकेट होगा तो छोटा होगा, ऐसा नहीं है। आप पर कोई क्लेम होता है, कोर्ट का मामला बनेगा, आपका सर्टिफिकेट ही देखा जाएगा कि किस आधार पर किसी को आप इंजेक्शन दिए हैं, सुई दिए हैं, क्या किए हैं। तो इसलिए यदि आपको स्टेबल होके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप अवश्य सर्च करिए,
और छोटे कोर्स जितना जल्द हो सके उतना कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कंजूसी करना आप पर, आपके करियर पर भारी पड़ सकता है, इसलिए बिना समय गवाए, बिना कोई संकोच का छोटे मोटे जो भी आप सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त बसरते होनी चाहिए, भारत सरकार के हो ये तो बेहतरीन है। तो वे आपको किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है, आप ओटी असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, सीएमएलटी डीएमएलटी सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य का कर सकते हैं। दो चार पाँच दस ऑप्शन तक है आपके पास में, आपको मौका नहीं गंवानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है वो फेरे में लग जाए जितना जल्दी हो, क्योंकि कब क्या सरकार करेगी, कौन सा टाइट प्रशासन आ जाएगा, कोई इसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए समय रहते अब ये नहीं समझे कि कोई हमको पूछने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है, कोई किसी के फेर में नहीं पड़ता है। बल्कि कोई आपको तकलीफ़ हो जाएगी, आपसे कोई गलती हो जाएगी, जब अदालती कार्रवाई होगी तो आप फेरे में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आपको लाख आपको अनुभव है, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छी जानकारी है, आपके दवा से सैकड़ों लोग ठीक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर साधारण डिग्री नहीं है तो आपको सब किए पर पानी फेर देगा, आपके ये जो है विश्वास को कमज़ोर कर सकता है, इतनी बात मान के रखिए। आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मंगल कामना के साथ मैं आपसे तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आप मैं आशा करता हूँ कि आप अनट्रेंड अगले बार नहीं रहेंगे, एक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता होके रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।